सभी को पता है कि पिंग का यूज़ हम लोग करते हैं किसी सिस्टम की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए नेटवर्क के अंदर। तो गाइस हम लोग जब भी किसी विंडोज मशीन से पिंग करते हैं तो पिंग जब हम करते हैं तो ईको रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है डेस्टिनेशन आईपी के लिए, तो उसके लिए टोटल 4 रिक्वेस्ट पैकेट सेंड किया जाता है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकेट को मैं सेंड करना चाहता हूँ, वो आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप चाहते हो कि मैं पिंग करना चाहता हूँ, और जब भी मैं गाइस पिंग करता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि अगर हम पिंग करते हैं 8.8.8.8 को, तो गाइस मेरे सिस्टम से टोटल 4 इको रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट होंगे और मेरे पास 4 पैकेट का क्या आएगा, रिप्लाई आएगा डेस्टिनेशन के आईपी से। यू कैन सी रिप्लाई 1, रिप्लाई 2, रिप्लाई 3 एंड रिप्लाई 4। नाउ मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसको लिमिट करना कि मैं सिर्फ 2 ही पैकेट सेंड करना चाहता हूँ, मैं 4 पैकेट सेंड नहीं करना चाहता, जस्ट मुझे ये चेक करने के लिए कि मेरी कनेक्टिविटी है या नहीं है। सो गाइस इसके लिए मैं लिखूंगा पिंग के बाद आपको एक स्विच लगाना पड़ेगा -n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ इको पैकेट, ठीक है, इको रिक्वेस्ट पैकेट, कितने इको रिक्वेस्ट पैकेट आप जनरेट करना चाहते हो। तो -n लगा के आपको नंबर ऑफ पैकेट काउंट लिखना है। मैंने यहाँ पे अपने केस में 2 लिखा है, मतलब मैं अब 4 की बजाय 2 ही पैकेट सेंड करूंगा। उसके बाद आपको डालना है डेस्टिनेशन आई पी 8.8.8.8 व्हाटएवर। नाउ मैं जैसे इसको एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम से सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैकेट सेंड हुए। तो गाइस ये ट्रिक आपको कैसी लगी? अगर ऐसे ही ट्रिक आपको आगे भी चाहिए तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो गाइस मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।